प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मुझे गर्व है हमारे जवानों पर, जिन्होंने हर मुश्किल मौके पर अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में आपके तैनात होने से देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली खास है, 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम विराजे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है, हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई दूंगा कि उन्होंने 5000 से अधिक सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाई है, जो वो अब विदेश से नहीं खरीदेंगे। हमारा देश का तो ये विशेष सौभाग्य है कि हमारे ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों को प्रकृति ने विशेष आशीर्वाद दिया है। वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, हमें उसे तराशना है, निखारना है। इसके जरिए इन गांवों में बसे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेज अभियान के जरिए हम ये होता देख रहे हैं। आप ही के हैं आसपास के जो दूर दराज के आखिरी गांव कहे जाते थे, जो आज पहले गांव है, वहां सीवीड का काम आपकी नजरों के सामने तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बड़ा आर्थिक नया एक क्षेत्र खुल रहा है। यहां मैंग्रोव के पीछे एक बड़ी ताकत हम लगा रहे हैं, वो देश के पर्यावरण के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन ये मैंग्रोव के जो जंगल तैयार होंगे वो यहां के टूरिस्टों के लिए, और जैसे धोरडो में रणोत्सव ने पूरे देश और दुनिया को आकर्षित किया है, देखते ही देखते ही ये इलाका टूरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है, आपकी आंखों के सामने बनने वाला है।